वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है, मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था, उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारसी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाना किया, कौन उस समय एजुकेशन, एक एक मान्य सदस्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के भाई नहीं कर रहे जिस, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द हाउस, भाई नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य एजुकेशन, आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है, इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ FIR ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया, तो आज ये कृत्य ना होता। अगर जैसे लोग उसको नाम ना होते तो आज नहीं होता, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे, और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है, आप बैठिए, आप उसे कब रह गए, अब जब उप मुख्यमंत्री ने बात कही, आप बैठिए गीता जी, आप नहीं, उन्होंने की भूमिका नहीं भाई, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको, जब आप कस्टोडियन थे ना तब आपने बचाने का काम किया, हमने टर्मिनेट करने का काम किया। बैठो अभय यादव जी, अन्य गीता बुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? बैठिए, आपने सदस्य से हमने टर्मिनेट कर दिया। 2011 में इनके निवास में झज्जर में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ DDR कटी हुई थी, FIR ना हो, समझौता और फैसला कराया गया, क्या ये फैक्ट है? माने सदस्य बताए इस हाउस को। आपने बैठो, आप इन्होंने जिस चीज को आपने उठाया, जिस चीज को आपने अपराधी को बचाने का काम किया, हमारे ऊपर एक आरोप लगा दो अगर अपराधी को बचाने का काम किया, हमने अपराधी को सजा देने का काम किया, किसने भी अपराध किया उसको सजा दिलाई। बैठिए प्लीज, बैठो फैसला करवाए आपने, बचाए, हमने हर अपराधी को सजा दी, बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी, ठीक है अपराध होता है लेकिन हम सजा देने का काम कर रहे हैं। बैठो श्री अभय सिंह यादव जी, मैडम बस बहुत हो गया, अभय यादव जी आप बोलिए प्लीज, बोल लेना तो मेरा, आपका नंबर बाद में है जी, बैठो अध्यक्ष महोदय।